लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। लोकनेता दीपा पाटिल साहब को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिलाने के लिए आज का जो आंदोलन था आप सबने भी देखा होगा। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सर्वपक्षीय जो कृति समिति थी उसके कार्याध्यक्ष प्रशांत ठाकुर साहब हमारे साथ हैं। सर, आज किस तरह से निवेदन दिया आप लोगों ने? लोकनेता दीपा पाटिल जी का नाम एयरपोर्ट को देना चाहिए, यही हमारी मांग है। निवेदन आज जो दिया है, ये जो जनशक्ति आज यहाँ पर इकट्ठा हुई, ये जनशक्ति सिर्फ एक मांग कर रही है, दीपा पाटिल जी का नाम एयरपोर्ट को देना चाहिए। अगर इस आज के इस जनता के ये जन समुदाय के यहाँ पर आने के बाद अगर फिर भी अगर सरकार ये इस बारे में नहीं सोचेगी तो हमारा कदम आगे जाके और सख्त होगा। आने वाले समय में हमको एयरपोर्ट रिलेटेड सारे सड़कों के काम बंद करने होंगे और ये हम करके रहेंगे। आपने अल्टीमेटम दिया है 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस था, अगर सरकार या सिडको इस बारे में नया प्रस्ताव नहीं बनाती है तो किस तरह की रणनीति आगे होगी? रणनीति हमने बताई आपको, अगस्त महीने के पहले हफ्ते में हम लोग इकट्ठा होकर इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है हम लोग तय करेंगे। आज के समय में ये जनता की गुहार है, इसको सरकार सुने और अपना कुछ कदम उठाए। किस तरह से उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि नगर विकास मंत्रालय ने ये साजिश की और दीपा पाटिल साहब के बजाय बाला साहब ठाकरे का नाम प्रस्तावित किया, प्रकल्पग्रस्तों के साथ एक बड़ी साजिश हुई, आप इस साजिश को किस तरह से देखते हैं और सरकार से कितनी उम्मीद आपको लग रही है कि अब सरकार जागेगी इस आंदोलन के बाद? ऐसा है, सरकार जागे ना जागे लोगों ने इतनी आवाज़ लगाई कि अब सरकार जग गई। अब इसके बाद अगर सरकार कदम नहीं उठाएगी तो सरकार डगमगा जाएगी। बहुत बहुत थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि सरकार ने कदम नहीं उठाया तो निश्चित तौर से सरकार का जो रवैया है अगर ये नहीं बदला और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो जैसा कि प्रशांत ठाकुर जी ने कहा कि सरकार को डगमगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रकल्पग्रस्तों ने अब अपनी ताकत दिखा दी है। लाखों की संख्या में आए हुए प्रकल्पग्रस्तों ने यह बता दिया है कि एयरपोर्ट पर सिर्फ और सिर्फ दीपा पाटिल साहब का ही नाम चाहिए। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नवी मुंबई।